हेलो गाइस। तो गाइस आज का इस वीडियो के अंदर अगर आपका आईफोन के अंदर यहाँ पे आपका जो एप्पल स्टोर के अंदर आपको यहाँ पे गूगल पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पे बार बार सर्च कर रहे हो गूगल पे लेकिन आपको यहाँ पे गूगल पे सॉफ्टवेयर जो उसको आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो आपको एक छोटा सा सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको आप यहाँ पे ऑन कर लेने के बाद आपका एप्पल स्टोर के अंदर आपको यहाँ पे गूगल पे देखने के लिए मिल जाएगा एंड आप उसको इंस्टॉल करके आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले माय नेम इज जेसन एंड वाचिंग टेक्निकल वॉलेट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं हमारा जो एप्पल स्टोर के अंदर एंड देन उसके बाद यहाँ पे इस प्रोसेस को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे मेरा जो एप्पल स्टोर के अंदर आपको यहाँ पे ले जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप वाले हमारा जो सेक्शन के अंदर आपका यहाँ पे जो अकाउंट सेक्शन के अंदर आप यहाँ पे चलिए। अकाउंट सेक्शन के अंदर आप आने के बाद आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक छोटा सा सेटिंग आपको यहाँ पे करना है। वो सेटिंग है आप यहाँ पे आपका अकाउंट के ऊपर एक बार फिर से यहाँ पे क्लिक कर लीजिए आपका जो अकाउंट के लोगों के ऊपर। तो उसके बाद आपका यहाँ पे आईफोन के अंदर अगर आप यहाँ पे टॉच आईडी से यहाँ पे उसको सिक्योर किए हो तो टॉच आईडी देके उसको अनलॉक कर लीजिए। अगर आपके यहाँ फेस अनलॉक है तो आप आपका फेस अनलॉक देके यहाँ पे अनलॉक कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अनलॉक करने के बाद यहाँ पे जो मेजर सेटिंग है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे मैनेज पेमेंट एंड देन उसके बाद उसके नीचे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे कंट्री एंड रीजन, तो सिंपल सी इस वाले सेक्शन के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अभी क्लिक कर लिया कंट्री एंड रीजन वाले सेक्शन पे, तो ये थोड़ा सा लोडिंग के लिए हमारा यहाँ पे टाइम ले रहा है। मेरा तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरा जो कंट्री एंड रीजन सेट होके यहाँ पे आईफोन के अंदर है, अगर आपके यहाँ पे सेटिंग होके नहीं है तो आप यहाँ पे उसको यहाँ पे सेट कंट्री एंड रीजन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपका जो कंट्री को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो वैसी बात है कि हमारा यहाँ पे इंडिया है कंट्री, तो इंडिया के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 19 पेज आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज वन ऑफ, तो मतलब आपको यहाँ पे नंबर वन से 19 पेज तक आपको यहाँ पे एग्री करते चलना है, मतलब इसका जो टर्म एंड कंडीशन को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं सिंपल चीज़ को सारे को यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ। आपको बेसिकली आप दोस्तों आप यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक करते करते चलना है, मतलब 19 नंबर पेज तक। तो मैं यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सेट है तो मैं इसको स्किप करके आपको यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका प्रोसेस कैसे होता है। तो मेरा 19 नंबर पेज अभी आ चुका है, तो इसको मैं यहाँ पे एग्री करके आपको नेक्स्ट वाली प्रोसेस के ऊपर दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे एग्री कर लेने के बाद आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम ले जाएगा। टाइम लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो बैंकिंग के सेटिंग हमारा यहाँ पे चला आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं UPI नेट बैंकिंग एंड नॉन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपको सिंपल से दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका एड्रेस जो जेन्युइन एड्रेस है आपका यहाँ पे उसको यहाँ पे डाल देना है। तो आपका स्ट्रीट डाल देना है, आपका कहाँ कहाँ का आपका लोकेलिटी है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है, सिटी एंड टाउन को आपको डाल देना है, स्टेट डाल देना है एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टल कोड जो आपको यहाँ पे अगर आपको नहीं मालूम है पोस्टल कोड आपका तो गूगल के अंदर सर्च करके उसको आपको सही वाला पोस्टल कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। कोई भी गलत वगैरह अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो आपका यहाँ पे ये ट्रिक काम में नहीं आएगा। तो यहाँ पे पोस्टल कोड डालने के बाद आपका फ़ोन नंबर भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। सब कुछ करने के बाद आप नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे उसको सेट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे मेरा सब कुछ ऑलरेडी सेट है पहले से, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे सिंपल सी सारे प्रोसेस को यहाँ पे कर लेने के बाद नेक्स्ट वाले सेक्शन के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे डन के ऊपर सिंपल सी क्लिक करके हमारा बैक वाले सेक्शन पे यहाँ पे चले आइए। तो बैक वाले सेक्शन में मैंने यहाँ पे चले आया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सी सर्च करना है गूगल पे। तो ये मेरा गूगल पे अभी सर्च कर लिया, तो अभी चलिए देखते हैं हमको यहाँ पे गूगल पे सॉफ्टवेयर हमको शो होता है नहीं। तो हाँ गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे मेरा जो गूगल पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो कर गया। तो यहाँ पे मुझको अभी अपडेट मांग रहा है, तो पहले से मेरा ही लॉगिन था तो अभी मुझे अपडेट अभी मांग रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप भी सिंपल सी इस वाले स्टेप को आप यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे गूगल पे सॉफ्टवेयर आपको आपका एप्पल स्टोर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मेजर सेटिंग, अगर आपका गूगल पे आपका एप्पल स्टोर के अंदर शो नहीं कर रहा है तो फिर भी अगर आपका यहाँ पे 90% तो चांस है दोस्तों आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। फिर भी अगर आपका यहाँ पे 10% जो चांस है अगर आपका यहाँ पे सही गूगल पे शो नहीं कर रहा है आपका एप्पल स्टोर के अंदर, तो और दो तीन चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ जिसके वजह से आपका यहाँ पे 100% आपका एप्पल स्टोर के अंदर गूगल पे शो कर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला वाला जो चीज़ है वो है आपका जो iOS वर्सन आप यहाँ पे देख लीजिए उसका अपडेटेड वर्सन कितना है। मतलब अगर आपका iOS जो वर्सन है वो 11 पॉइंट से ज़्यादा है तो आपका यहाँ पे ऑब्वियसली बात है
आपका गूगल पे यहाँ पे सपोर्ट कर लेगा। और आपका 11 पॉइंट से कम है तो आपका यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि आपका यहाँ पे गूगल पे सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसको आप यहाँ पे श्योर कर लीजिए कि आपका जो iOS वर्जन यहाँ पे 11 पॉइंट से ज्यादा हो। एंड दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो चीज है वो है आपका आईफोन को यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे रिस्टार्ट कर लीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद वो रिबूट होकर रिफ्रेश होकर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो चीज है वो है आपका आईफोन के जो एप्पल स्टोर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो आईडी को आप यहाँ पे लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लीजिए। उसको कर लेने के बाद आपका यहाँ पे जो सेटिंग अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आपका गूगल पे यहाँ पे शो होना चालू हो जाएगा। इतने सब करने के बाद भी अगर आपका यहाँ पे आईफोन के अंदर गूगल पे सॉफ्टवेयर शो नहीं कर रहा है तो आपका यहाँ पे जो iOS अपडेट लेटेस्ट अपडेट है या नहीं उसको यहाँ पे चेक कर लीजिए थोड़ा सा। अगर आपका iOS वर्जन यहाँ पे लेटेस्ट अपडेटेड नहीं है तो उसको अपडेट कर लीजिए। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे इस प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए। ऑब्वियसली बात है आपका यहाँ पे 100% चांस है कि आपका जो एप्पल स्टोर के अंदर आपका गूगल पे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहले देखने हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग टू टेक्निकल वॉलेट।